Class 5 students, today I am going to explain a new chapter, chapter number 2. The chapter name is Latitudes and Longitudes. Latitudes or Longitudes. Latitudes means अक्षांश होता है, longitudes means देशांतर होता है. अब सबसे पहले हम जानेंगे location. ये location क्या होता है? Location होता है उस जगह, कहीं पर किसी जगह को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस जगह का लोकेशन जानना पड़ता है. तो लोकेशन होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है रिलेटिव लोकेशन होता है, दूसरा होता है एब्सोल्यूट लोकेशन होता है. ए लोकेशन इज ए प्लेस वेयर समथिंग हैपेंस और एक्सिस्ट्स. लोकेशन ऑफ प्लेस किसको बोलते हैं? जहां पर कोई चीज होता है और जहां पर वो चीज है ना होता है और जहां से वो चीज शुरू होता है. जैसे कि हम लोकेशन बॉम्बे, बॉम्बे कहां से शुरू हुआ और कहां तक वो फैला हुआ है और कहां तक वो अंत होगा, उस चीज को क्या बोलते हैं? लोकेशन बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लोकेशन. ऐसे लोकेशन को जानने के लिए दो तरह से जाना जाता है, एक क्या होता है रिलेटिव होता है, दूसरा क्या होता है एब्सोल्यूट होता है. तो दो प्रकार का रिलेशन होते हैं, एक प्रकार का रिलेशन को हम क्या बोलते हैं रिलेटिव लोकेशन बोलते हैं और दूसरे प्रकार का लोकेशन को क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसे एब्सोल्यूट बोलते हैं. लोकेशन में दो प्रकार के रिलेशन, एक क्या होता है रिलेटिव हुआ और दूसरा प्रकार क्या होता है वो एब्सोल्यूट रिलेशन होता है. क्या होता है? एब्सोल्यूट लोकेशन होता है. क्या होता है? एब्सोल्यूट लोकेशन होता है. समझ गए ना? हाँ. When a position of a place is described in a relation to other places, it is called relative location. अगर हम है ना किसी जगह का location को है ना दूसरे जगह के साथ हम जोड़कर है ना उस location को हम locate करते हैं, उस location को क्या बोलते हैं? Relative location बोलते हैं. जैसे कि example हम बोलते हैं कि just example आप ले लीजिए हैदराबाद. हैदराबाद को locate करना है तो हैदराबाद के सटा हुआ सिकंदराबाद भी है. तो हम है ना जब तक है ना अगर हैदराबाद को भली भांति समझना होगा तो सिकंदराबाद होकर हमको समझना पड़ेगा. तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये सिकंदराबाद क्या होगा? रिलेटिव लोकेशन होगा. किसका? हैदराबाद का रिलेटिव लोकेशन होगा. अब जैसे कि हम बॉम्बे के बारे में जानने चाहते हैं, मुंबई के बारे में जानने चाहते हैं, तो मुंबई क्या है? महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी है. जब तक हम महाराष्ट्र का मैप को बारीक से नहीं देखेंगे तो मुंबई के लोकेशन के बारे में हम नहीं जानेंगे. तो महाराष्ट्र क्या हो जाएगा? उसका रिलेटिव लोकेशन हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यू मे डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ यूर हाउस टू यूर फ्रेंड बाय स्टार्टिंग नाउ इट इज रिलेटेड टू अदर प्लेसेस नियर बाय. हम है ना लोकेशन को किसी दूसरे जगह से हम जोड़ के है ना हम अपना लोकेशन को बताते हैं तो वो दूसरे जगह उसके लिए रिलेटिव लोकेशन हो जाता है. वी कैन यूज फेमिलियर लैंडमार्क. हम इसके लिए क्या करते हैं? कुछ अगल बगल के कुछ लैंडमार्क्स है और कुछ दिशा है और कोई अगल बगल में हमारा जो लोकेशन राइट में पड़ता है या लेफ्ट में पड़ता है या सीधे पड़ता है या पीछे पड़ता है, ये सब क्या होता है? उसके मार्क्स होते हैं ताकि है ना वो रिलेटिव लोकेशन से हम एग्जैक्ट लोकेशन का है ना हम पता लगा सकते हैं. अब दूसरे पॉइंट में आ जाएगा एन एब्सोल्यूट लोकेशन. एब्सोल्यूट लोकेशन टेल्स द एग्जैक्ट पोजिशन वेयर द प्लेस इज लोकेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. एब्सोल्यूट पोजिशन मतलब किसी जगह को है ना भली भांति वहीं पर उसको जानने चाहते हैं और सही कहां पर है और उसको वहीं पर हम जानने चाहते हैं तो उस पोजीशन उस लोकेशन को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट लोकेशन बोलते हैं. योर होम एड्रेस डिस्क्राइब द एब्सोल्यूट पोजीशन ऑफ योर हाउस ऑन द अर्थ. और दूसरी बात जैसे कि आप उदाहरण के लिए बोलते हैं आपका घर का पता, उस घर का पता से सीधे पता चलता है कि ये पृथ्वी पर आपका घर कहां पर है, किस मोहल्ला में है, किस राज्य में है, किस देश में है और किस गली में है, ये साफ सीधा आपको पता चलता है. इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट लोकेशन बोलते हैं. यू कैन ऑल्सो नो अबाउट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ योर प्लेस फ्रॉम ए मैप. अगर तुम मानचित्र ले लो, एक मैप ले लो, वो मैप में भी तुम अगर देखना चाहोगे तो तुम वहां पर भी तुम्हारा अपना घर का है ना एब्सोल्यूट पोजिशन है ना तुम देख सकते हो. एन एब्सोल्यूट लोकेशन इज डिस्क्राइबिंग ऑफ ए प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर प्लेस. एब्सोल्यूट पोजिशन सर ये साफ जाहिर होता है क्या कि दूसरे पोजिशन से हम जोड़ के नहीं वनस्पत हम अपना जगह को है ना भली भांति है ना सही तरीके से हम अपने जगह को क्या कर सकते हैं हम है ना देख सकते हैं, अपने जगह को हम पकड़ सकते हैं, अपने जगह को हम लोकेट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट लोकेशन हम बोलते हैं. अब आ जाइए लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ.
हम है ना, इस पृथ्वी बहुत बड़ा है, पृथ्वी पर है ना बहुत से जगह है, उस जगह को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, उसके बारे में हम जानने जाएंगे। ये ग्लोब हैज एन एक्सिल दैट हेल्प्स इट टू स्पिन। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इस तरह से झुका हुआ है। क्या है? ग्लोब झुका हुआ है, दोनों के बीच में क्या है, एक एक्सिल है, उत्तर में एक एक्सिल है, नीचे में एक एक्सिल है। वह एक्सिल पर क्या होता है, ग्लोब है ना, नाचता है। द अर्थ ऑल्सो स्पिन ऑन एन इमेजिनरी एक्सिल। और ऐसे पृथ्वी को भी क्या है, एक काल्पनिक, एक काल्पनिक एक एक्सिल टाइप का, एक्सिल मतलब एक कील बना हुआ है, वो कील पर है ना पृथ्वी भी क्या होता है, स्पिन करता है, पृथ्वी भी गोल घूमता है। विच इज नोन एज द एक्सिस ऑफ द अर्थ, द टू एंड्स ऑफ द अर्थ आर नोन एज द पोल्स। और जैसे कि ये हम मान लिए क्या कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के दो ध्रुव है, यहां पर एक है और यहां पर एक है, ये दोनों एक्सिल, ये दोनों एंड को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हम पोल बोलते हैं। पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। द पॉइंट एट द टॉप इज नोन एज नॉर्थ पोल। जो पृथ्वी के ऊपर जो पोल है उस पोल को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। फिर पृथ्वी के एकदम दक्षिण में जो पोल है उसे हम साउथ पोल बोलते हैं। मतलब उत्तरी ध्रुव हुआ, और उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल हुआ, साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव हुआ। द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स नोन एज द हेमिस्फीयर्स। और जो इक्वेटर किसको बोलते हैं? भूमध्य रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच, एकदम बीचों बीच, आधा आधा पर है ना एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है, उस काल्पनिक रेखा को हम इक्वेटर बोलते हैं। वो इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, उसको हिंदी में बोलते हैं। इस भूमध्य रेखा है ना पृथ्वी को दो भाग में बांटता है, दो भाग में बांटता है। एक कौन होता है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर किसको बोलते हैं? गोलार्ध। जैसे पृथ्वी का एक उत्तरी जो बीचों बीच इक्वेटर जो बांटता है, जहां इक्वेटर से लेके ऊपरी भाग एक गोलार्ध हो गया, इक्वेटर से लेके नीची भाग क्या हो गया, एक गोलार्ध हुआ। गोलार्ध मतलब पृथ्वी गोला है, उसका आधा भाग, तो ऊपरी वाला आधा भाग को क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, तो उसे हिंदी में उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और नीचे वाली भाग को है ना, जो भूमध्य रेखा के नीचे वाली जो भाग होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ये ग्लोब और ए मैप हैज ए नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन इट। और ग्लोब पर भी देखो बहुत से ना रेखाएं खींची हुई है। इन रियलिटी देर आर नो लाइन्स ऑन द अर्थ सरफेस। अगर सचमुच में देखा जाए, इस पृथ्वी पर किसी प्रकार का कोई रेखा सच में खींचा नहीं गया। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। और ये जो रेखाएं खींची गई हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ताकि पृथ्वी को और पृथ्वी के ऊपर से ऊपर जो जगह है उसको भली भांति समझने के लिए, लोकेट करने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, और जिसके जरिया से हम एब्सोल्यूट जो पोजीशन होता है, जो लोकेशन होता है जगह का, उसको हम भली भांति जानते हैं। अब वो रेखा में सबसे पहले कौन आएगा? लैटिट्यूड आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? लैटिट्यूड आएगा। सबसे पहले कौन आएगा? लैटिट्यूड। द इमेजिनरी लाइन्स इन विच इन ईच हेमिस्फीयर ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब देखो भूमध्य रेखा से उसके आमने सामने से, जैसे कि ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ऐसे 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 इस प्रकार जो रेखाएं जो खींची गई है, जो पैरेलल भूमध्य रेखा के एकदम साथ साथ खींचा गया है जो रेखा, उस रेखा को क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। सिंस द अर्थ इज राउंड, आप तो जानते हैं पृथ्वी गोलाकार है, दीज लाइन्स आर सर्कुलर। ये लाइन देखने में कैसे लगते हैं? गोलाकार लगता है। क्या लगता है? गोलाकार लगता है। दे रन इन दी इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अराउंड द ग्लोब। और इसकी शुरुआत क्या, कहां से होता है? पूरब से लेके पश्चिम तक ये लाइन खींचा हुआ रहता है। कहां तक खींचा हुआ रहता है? किस दिशा में? पूर्वी दिशा से लेके पश्चिमी दिशा तक। द इक्वेटर इज ए लाइन ऑफ लैटिट्यूड। और इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है, वो भूमध्य रेखा भी है ना एक भाग है। किसका भाग है? लैटिट्यूड का भाग है। इसको अक्षांश बोलते हैं हिंदी में। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। और इसको हम अगर नापेंगे तो किस पैमाने में नापेंगे? डिग्री के पैमाने में नापेंगे। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेजरिंग द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वेटर। और कहां से इसको नापना शुरू करेंगे? भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा बीच में है, इसी के कारण भूमध्य रेखा से ही कहीं पर हम नाप
माप का काम शुरू कर सकते हैं। द डायग्राम गिवन हियर शोज दैट इक्वेटर इज एट जीरो लैटिट्यूड। और यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम में सिर्फ स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया गया है भूमध्य रेखा को, तो भूमध्य रेखा पर जीरो डिग्री होता है। क्या होता है? जीरो डिग्री होता है। द वैली ऑफ ऑल द लैटिट्यूड इज फॉलोड बाय द नॉर्थ एन फॉर नॉर्थ नदरन एंड एस फॉर सदरन। और है ना, जब उत्तरी दिशा में आप नापना शुरू करेंगे तो एन आएगा, एन के मतलब हो गया नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर होगा। अगर दक्षिण दिशा में हम जाते हैं तो वो नाप कैसे शुरू होगा? वो एस से शुरू होगा। एस के मतलब सदरन, सदरन मतलब दक्षिण दिशा। हेमिस्फीयर और एस फॉर सदरन हेमिस्फीयर। और दूसरी बात है क्या, उत्तरी गोलार्ध के बारे में क्या आएगा? एन हेमिस्फीयर मतलब नदरन हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध के बारे में अगर जानने के बाद में आए तो उसके सामने क्या होगा? सदरन हेमिस्फीयर होगा, एस हेमिस्फीयर होगा। फॉर एग्जाम्पल द लैटिट्यूड नेक्स्ट टू द इक्वेटर इन द नदरन हेमिस्फीयर इज 1 डिग्री नॉर्थ। जैसे कि है ना, यहां से बड़ा ये भूमध्य रेखा है, यहां से इसके बीच में क्या होता है? 1 डिग्री का 1 डिग्री बनता है। क्या बनता है? नाप में 1 डिग्री बनता है। अब जैसे नीचे भी आया, इसे नीचे भी आया तो यहां पर भी 1 डिग्री बना। इस तरह हम नापना शुरू करते हैं, समझ गए ना। एज वी मूव फर्दर नॉर्थ वर्ड द लेंथ ऑफ लैटिट्यूड आर नंबर्ड एट एज ए 2 डिग्री नॉर्थिट्यूड, 3 डिग्री, 4 डिग्री एंड सो एंड सो एंड वी रीच 90 डिग्री। अब है ना, आप उसको नापते हुए जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे डिग्री बनते हुए जाएगा और लास्ट में कहां तक आके एंड कर जाएगा? वो आकर उत्तरी पोल पर आकर 90 डिग्री पर एंड कर जाएगा और दक्षिणी पोल पर भी वो 90 डिग्री इस मतलब साउथ एंड कर जाएगा। द लैटिट्यूड इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर नंबर्ड इन द सेम वे। और दक्षिणी ध्रुव में भी लैटिट्यूड उसी नंबर के हिसाब से 0 डिग्री से शुरू होता है। पहला लैटिट्यूड 1 हुआ, सेकंड 2 हुआ, तीसरा 3 हुआ, ऐसे ही लास्ट जब दक्षिणी ध्रुव के लास्ट कोना पर आ जाएंगे वो 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा? वो एंड कर जाएगा। द इक्वेटर आल्सो नोन एज द ग्रेट सर्कल इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। और भूमध्य रेखा को दूसरे तरह से हम उसको बुलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्किल बोलते हैं। इसीलिए कि सबसे सबसे क्या है, ये लंबा लैटिट्यूड माना गया है। इसी के लिए बीच बीच के पृथ्वी के एकदम बीचों बीच में स्थित है। एज वी मूव नॉर्थ वर्ड्स और साउथ वर्ड्स फ्रॉम इट द लैटिट्यूड डिक्रीज इन दिस साइड। जैसे कि ये भूमध्य रेखा से हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं या उत्तर की ओर बढ़ते हैं, जो लैटिट्यूड है उसकी लंबाई क्या होती है? घटते हुए जाती है। एंड दे आर रिड्यूस टू ए डॉट एट द पोल्स। इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स का कौन कौन इंपॉर्टेंट लाइन है उस लाइन के बारे में सुने। अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड द पोल्स, अब हम इक्वेटर के बारे में मतलब भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं और पोल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। देर आर 4 इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड में क्या होता है? 4 भूमध्य रेखा के अलावे भी 4 है ना इंपॉर्टेंट रेखा है पृथ्वी पर खींचा गया। एक क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, समझ गया ना? मकर रेखा बोलते हैं हिंदी में। ये कितना पर आता है? 23.5 डिग्री उत्तर में पाया गया है। बाद में फिर नीचे आइएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये क्या होता है? कर्क रेखा होता है। ये भी है ना दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर है। और इसके अलावे एकदम ध्रुव पॉइंट पर चल जाइएगा, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर, और आर्कटिक सर्किल आएगा, उसका कितना होगा? 66.5 डिग्री उत्तर में होगा। फिर दक्षिण में फिर एक रेखा है एकदम ध्रुव के पर, वो अंटार्कटिक सर्किल है, उसका कितना होगा? 66.5 दक्षिण होगा। अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ लिए, अब हम लैटिट्यूड के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड आल्सो नोन एज मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूड को दूसरे तरह से हम बुलाते हैं, उसको मेरिडियंस भी करते हैं। आर इमेजिनरी लाइंस, ये भी काल्पनिक रेखा है, दैट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये भी है ना उत्तरी पोल से लेकर दक्षिण पोल तक है ना ये खींचा गया है। दे टू आर नंबर लाइक लैटिट्यूड, इसको भी है ना लैटिट्यूड के जैसा नंबर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट, मतलब अंतरराष्ट्रीय पर एक सहमति हुई, लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू दी रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच इन इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम। और सहमति के अनुसार जो लॉन्गिट्यूड है वो कहां से पास करता है? एक जगह है
उसका नाम है रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट, ये कहां पर स्थित, ग्रीनविच इन इंग्लैंड में है। इंग्लैंड कहां है, यूनाइटेड किंगडम का भाग है। इज एक्सेप्टेड एज ए जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको है ना जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड के रूप में है ना सारे दुनिया में लोग इसको मान लिए हैं। इट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। जैसे भूमध्य रेखा को जैसे भूमध्य रेखा लैटिट्यूड में बहुत प्राइम होता है, उसी तरह यह रेखा को ये लॉन्गिट्यूड में क्या बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन बोलता है। द प्राइम मेरिडियन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मेजरिंग लॉन्गिट्यूड, और प्राइम मेरिडियन से ही लॉन्गिट्यूड का क्या होता है, वही स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से उसका नापना शुरू होता है। अदर लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, और दूसरे लॉन्गिट्यूड है ना प्राइम मेरिडियन का है ना पूरब और पश्चिम दिशा में खींचा गया है। द डायग्राम हियर, यहां पर देखिए एक डायग्राम दिया गया है। ये सब क्या है, ये सब आप देख रहे हैं, ये सब क्या है लॉन्गिट्यूड है, ये सब क्या है लॉन्गिट्यूड जो लंबाई में है उत्तर से लेकर दक्षिण तक खींचा गया है, ये सब लॉन्गिट्यूड है। समझ में आ रहा है ना। द डायग्राम हियर शोज द प्राइम मेरिडियन एट जीरो लॉन्गिट्यूड, यहां पर प्राइम मेरिडियन जीरो लॉन्गिट्यूड पर है। द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर नंबर्ड फ्रॉम 1 डिग्री ईस्ट अप टू 180 डिग्री, और है ना इसको पूरब में यहां से देखिए 1 डिग्री से शुरू हुआ, इसको नापा गया 1 डिग्री में, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरा लॉन्गिट्यूड के बीच में 1 डिग्री का फास्ता होता है, और अगर पूरब से शुरू होता है फास्ता तो इसी के लिए ई जोड़ा जाता है ईस्ट, और इसका लास्ट में कहां तक जाता है 180 डिग्री तक जाता है। सिमिलरली द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड फ्रॉम वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर नंबर्ड फ्रॉम 1 वेस्ट, इसी तरह पश्चिम से जो लॉन्गिट्यूड है उसको है ना 1 डिग्री वेस्ट, ये भी है ना 180 डिग्री तक जाता है। द प्राइम मेरिडियन टू डिवाइड द अर्थ इन टू 2 इक्वल पार्ट, ये प्राइम मेरिडियन भी है ना ये पृथ्वी को है ना ठीक दो आधे भाग में बांटता है। द एरिया बिटवीन 0 लॉन्गिट्यूड एंड 180 ईस्ट इज कॉल्ड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दो क्षेत्र पड़ता है किसके बीच में, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लेकर 180 डिग्री के बीच में पूरब दिशा में, इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। उसी तरह जो एरिया है ना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लेकर 180 डिग्री पश्चिम में जो एरिया पड़ता है उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, मतलब पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध कहा गया है। हाउएवर 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट इज द सेम लॉन्गिट्यूड एंड इज नोन एज 180 डिग्री और इंटरनेशनल डेट लाइन, और 180 ईस्ट हो या 180 वेस्ट हो ये दोनों एक ही लॉन्गिट्यूड है, और इसको है ना क्या कहा गया है, इंटरनेशनल डेट लाइन, मतलब अंतरराष्ट्रीय डेट मतलब तारीख और लाइन मतलब तो जानते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, और इक्वेटर के पास जो लॉन्गिट्यूड का दो लॉन्गिट्यूड का बीच में जो फास्ता है वो फास्ता है ना सबसे ज्यादा है। द डिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन वन मूव्स टुवर्ड्स द पोल्स वेयर द लॉन्गिट्यूड मीट्स, और है ना जब इसकी जो दूरी है ना वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हुए जाता है इसकी दूरी क्या होता है घटते हुए इसकी दूरी चला जाता है रहता है। ग्रिड किसको बोलते हैं, अब हम सुनेंगे दूसरा पॉइंट पर ग्रिड। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्रिस क्रॉस ईच अदर टू फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ लाइंस नोन एज ग्रिड, और जहां पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों मिलता है, जैसे कि ये लैटिट्यूड है ये लॉन्गिट्यूड है दोनों मिलता है, इस पॉइंट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जो मीटिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का जो मीटिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट को अंग्रेजी में ग्रिड बोला जाता है। द पॉइंट इन द ग्रिड वेयर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट, दोनों एक दूसरे से मिलता है, ईच अदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, और जो मिलता भी है तो उसको ग्रिड भी बोला जाता है, जहां पर दोनों मिलके आगे बढ़ता है उसको कोऑर्डिनेट बोला जाता है। कोऑर्डिनेट हेल्प अस टू लोकेट एनी प्लेस और पॉइंट ऑफ द अर्थ, ये कोऑर्डिनेट के मदद से है ना पृथ्वी पर कौन जगह कहां पर है कितने डिग्री पर स्थित है कितना दूरी पर है इसे हम आराम से है ना लोकेट कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ मैप गिवन अबव इन दिस मैप, इसमें यहां पर एक मैप दिया गया है, इसे भी हम बारीक से
पढ़ेंगे बारीक से समझेंगे तो हमको है ना इस चीज को भली भांति समझने में आएगा। द कॉलम्स आर लेबल्ड ऑन द टॉप विद द लेटर एबीसी और उसके ऊपर एबीसी लेटर्स का कॉलम दिया गया है। द रोस आर लेबल्ड विद द 1, 2, 3, 4 और ये रोस है, देखिए एक कॉलम ए बी सी डी एक कॉलम बनाया गया, यहाँ पर रोज समझने के लिए 1, 2, 3, 4 बनाया गया। रवि हाउस इज लोकेटेड इन द ग्रिड बॉक्स, रवि का हाउस क्या है ग्रिड बॉक्स में लोकेट किया है, फॉर्म्ड इन कॉलम ए में और कॉलम ए एंड रो 4 में। द नेम ऑफ द ग्रिड बॉक्स स्क्वायर इज A4 तो यहां पर है तो A4 में इसको स्थित किया गया है, समझ में आ रहा है ना, रवि का हाउस यहां पर है, ये ए कॉलम में है तो इसको A4 में इसको स्थित किया गया है। उसी तरह हम लोग आगे भी कोई भी चीज जानने की कोशिश करेंगे तो उसी इसी के आधार पर इसी के मदद से हम बहुत आराम से है ना ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के मदद से हम है ना पृथ्वी के ऊपर जगह को जानने का कोशिश करेंगे। और दूसरी बात है क्या, इसमें कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, कुछ एक्सरसाइज अपने तरफ से अपने ओर से बनाने का कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएंगे नहीं बनता हो तो हमसे पूछेंगे हम आपको बता देंगे। ये क्लास 5 के स्टूडेंट आपका लेसन नंबर 2 समाप्त हो गया और इसमें मैं भली भांति समझाने का कोशिश किया हूँ और भली भांति है ना पढ़ा के आपको समझा दिया हूँ और ये पाठ का नाम तो आप तो जान ही लिए हैं और इसको अच्छी तरह से घर पर भी पढ़ लेंगे और मेरा लेक्चर को बढ़िया अच्छी तरह से सुनेंगे बैठकर तो अच्छी तरह से पाठ समाप्त हो जाएगा। जो है ना आपको 2 पार्ट का जो हमको कोर्स मिला हुआ था हम 2 पार्ट आज समाप्त कर दिए स्टैंडर्ड 5। थैंक यू वेरी मच। स्टैंडर्ड 5 बच्चे अच्छी तरह से सुनेंगे और अपना किताब खोलकर है ना मेरा सुना हुआ लेक्चर को है ना फिर है ना किताब में भी अब अच्छी तरह से भली भांति से आप पढ़ के समझ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।